ठीक है, तो जो आज हम लोग एलिंगम डायग्राम पढ़ने वाले हैं, है ना, तो उसके अंदर क्या आपने वाई एक्सिस पे तो डेल्टा जी फॉर्मेशन रख दिया, और एक्स एक्सिस पे आपने क्या रखा है, टेम्परेचर रखा है। तो ये स्केलिंग मैंने कर दी कि भाई यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस, 273 केल्विन है, 1073 केल्विन है, 1473 केल्विन है, और 1873 केल्विन है। यहाँ पर जो वाई एक्सिस पे मैं क्या वैल्यू रख रहा हूँ, अब डेल्टा जी की वैल्यू रख रहा हूँ। मुझे एक बात पता है, डेल्टा जी की वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी, जैसे -1000 है तो -1100 की वैल्यू ज्यादा होती है किसे, -1000 से। अगर आपके पास डेल्टा जी की वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी, रिएक्शन उतना ही क्या होता है, फास्ट होता है। तो अब कुछ कुछ मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूँ, ठीक है ना, साथ साथ में आप बनाते रहना, तभी आप बना पाओगे, नहीं तो फिर बनेंगे नहीं बाद में, क्योंकि वो मिक्स हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ से एक -1100 से नीचे एक शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है ना, कुछ यहाँ तक, फिर इसको हम लोग आगे एकदम से ऊपर एक्सटेंड कर देते हैं। रेड कलर से बनाया मैंने ये, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ कि मैंने ये जो बनाया है ये किसके लिए है, 2 Mg प्लस O2 का रिएक्शन जब होगा तो फॉर्मेशन करेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड्स का। एलिंगम डायग्राम के लिए हम लोग एलिंगम डायग्राम क्यों पढ़ रहे हैं बेसिकली, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, हम लोगों ने मेटल ऑक्साइड्स तक तो हम पहुंच गए थे, ठीक है ना, दो प्रोसीजर हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। तीसरा प्रोसीजर था रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स टू मेटल। तो कौन किसका रिडक्शन कर पाएगा, कौन नहीं कर पाएगा, वो पढ़ने के लिए हमें एलिंगम डायग्राम आना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आज थर्ड प्रोसेस को पढ़ने के लिए पहले हम इसे समझेंगे, फिर ही हम थर्ड प्रोसीजर की तरफ प्रोसीड कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ से हम लोग एक तीसरी अब लाइन स्टार्ट करते हैं जो कि ऐसे सीधा जा रही है, ठीक है। ये लाइन मेरे पास है किसके लिए, एल्यूमिनियम के लिए, कि मैं लिख दूं यहाँ पर 2 एल्यूमिनियम प्लस 3/2 O2 गिव्स Al2O3, ठीक है, मिल गया मुझे Al2O3 मिल गया। अब कुछ लाइंस हम लोग यहाँ बनाएंगे, यहाँ जैसे एक लाइन बना दी, लोगों ने, मैं लिख दिया इसके बारे में कि भाई ये मेरे पास किसकी है, कॉपर प्लस ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाएंगे तो मेरे पास बन जाएगा Cu2O, ठीक है ना, कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कॉपर यहाँ कर दिया, 4 कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। और हम लोग बनाएंगे, ये मैंने आपके लिए बना दिया किसके लिए, आयरन के लिए, कि अगर आपके पास 2 Fe प्लस ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है तो इट विल फॉर्म FeO, आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है, आपके पास FeO का फॉर्मेशन हो रहा है। ये इस टेम्परेचर पे कट करते हुए इसको आगे की तरफ निकल रहा है, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना रही है मेरे पास, CO2 गैस का फॉर्मेशन कर रही है। और अब फाइनली द लास्ट लाइन जो मैं बनाने जा रहा हूँ यहाँ से, ये वाली मैंने बना दिया आपके पास, ये किसके लिए है मैं लिख सकता हूँ,
टू कार्बन प्लस ऑक्सीजन विल फॉर्म CO गैस, ठीक है। है ना, सीओ गैस के लिए मैंने ये बना दिया। अब देखो, अब इस एलिंगम डायग्राम में क्या है, पहले पॉइंट तो हमको ये लिखना है कि भाई ये प्लॉट है किसके बीच में, डेल्टा जी और टेम्परेचर के बीच का प्लॉट है, ठीक है। अब हम लोगों ने यहाँ तक आपने बना लिया, तो हम एक एक पॉइंट लिखना शुरू करेंगे यहाँ पर इसके बारे में कि ये हमको क्या क्या चीजें बता रहा है। सबसे पहला पॉइंट मेरे पास क्या है, ठीक है, आप इट इज द प्लॉट बिटवीन द गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड एंड टेम्परेचर, इट इज द गिब्स ग्राफ बिटवीन द गिब्स फ्री एनर्जी एंड ऑक्साइड। से देखो, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सीओ टू डाइऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड है आपके पास, कॉपर ऑक्साइड्स हैं, ठीक है, सारे ऑक्साइड्स हैं, इनके बीच में और टेम्परेचर के बीच में क्या है, यहाँ पर आपके पास ग्राफ है, ठीक है ना। बेसिकली इस ग्राफ के अंदर क्या हो रहा है, आपके पास कोई भी मेटल होगा जो सॉलिड है या फिर कोई भी एलिमेंट है सॉलिड स्टेट में, हम लोग उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं O2 गैस के साथ, और जो मेरे पास प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो क्या हो रहा है, M2 यहाँ आ जाएगा, O मैं यहाँ X लिख देता हूँ क्योंकि मुझे पता है मेटल की जो वैलेंसी होगी वो यहाँ आएगी, ऑक्सीजन की तो -2 होती है वो तो नीचे आ जाएगी, बट एक्स इज द वैलेंसी ऑफ द मेटल, ठीक है ना, इसका सॉलिड का फॉर्मेशन हो रहा है मेरे पास, ठीक है, ये चीज तो मुझे पता है। अब मैं आपको बोलूं कि भाई अगर मैं किसी सॉलिड को कन्वर्ट कर रहा हूँ किसके अंदर, गैस के अंदर, सॉलिड को कन्वर्ट कर रहा हूँ किसके अंदर, गैस के अंदर, तो सॉलिड से जब वो गैस में कन्वर्ट होगा तब तो उसकी एंट्रोपी डेल्टा एस तो कैसी होगी, पॉजिटिव, क्यों पॉजिटिव, क्योंकि क्योंकि रैंडमनेस बढ़ रही है, तो जब भी आपके पास रैंडमनेस एटम्स के बीच में दूरी बढ़ती है तो डेल्टा है जो आपके पास एस है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, गैस के अंदर, सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है गैस में, तो जो आपका डेल्टा एस है क्या, एंट्रोपी, ENTROPY, एंट्रोपी जो होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव में। अगर कोई चीज मेरे पास गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है तो रेंडमनेस की वैल्यू क्या हो रही है, कम। अब एटम्स जो घूम रहे थे वो कम घूम पाएंगे, रेंडमनेस कम हो जाएगी, रेंडमनेस कम हो जाएगी तो एंट्रोपी की वैल्यू कैसी हो जाएगी आपके पास, नेगेटिव हो जाएगी, एंट्रोपी की वैल्यू कैसी हो जाएगी आपके पास, नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ मुझे दिख रहा है ऊपर क्वेश्चन में, मैं देखूंगा ध्यान से, देखो मैटर ये तो सॉलिड है, यहाँ पर भी सॉलिड है, कोई चेंज नहीं हुआ है, सेम है, बट ये गैस से कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, सॉलिड के अंदर, तो गैस से कन्वर्ट हो गया सॉलिड में, तो इसके लिए एंट्रोपी की वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है, ठीक है ना। तो इस रिएक्शन के लिए आप ओवरऑल देखोगे तो आपकी एंट्रोपी की वैल्यू कैसी आती है, नेगेटिव आती है, तो ठीक है। मेरे को गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला भी पता है, दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। मैंने अभी अभी देखा डेल्टा एस की वैल्यू कैसे आ रही है, इन सब केसेस में नेगेटिव आ रही है, क्यों, क्योंकि मेरे मेटल सॉलिड थे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा के मैं मेटल आपके पास जो भी ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं वो सारे ऑक्साइड्स कैसे हैं, सॉलिड स्टेट में, तो गैस आपकी कन्वर्ट होगी सॉलिड में, तो एंट्रोपी की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। और जो आप ग्राफ बना रहे हो एलिंगम डायग्राम का वो किस किस के बीच में है, वो बीच में आपके पास डेल्टा जी के बीच में है, ठीक है, और टेम्परेचर के बीच में, तो बात करेंगे तो ये तो मेरा वाई एक्सिस पे है और ये मेरे पास टी कहाँ पर, एक्स पे है, तो ये वाई इज टू एम एक्स, योगी एम एक्स प्लस सी वाली कहानी आ गई, जहां पर स्लोप क्या होगा मेरे पास,
डेल्टा एस होगा। अब एक्स एक्सिस पे तो टेम्परेचर आ गया, तो स्लोप जो है हम उसकी वैल्यू माइनस डेल्टा एस आएगी, बट मुझे पता है डेल्टा एस की वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव और ये वाला नेगेटिव दोनों होके क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। तो इसलिए ओवरऑल क्या इनका स्लोप इस डायरेक्शन में आ रहा है इस तरीके, क्योंकि यहाँ पर इनका स्लोप कैसा होता जा रहा है, पॉजिटिव होता जा रहा है। ठीक है, जैसे मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, देखो आपके जितने भी ग्राफ हैं वो क्या कर रहे हैं, ऐसे इंक्रीज कर रहे हैं सब ऊपर की तरफ, सबका स्लोप कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि मुझे पता है इन सभी केसेस के अंदर जो इनकी एंट्रोपी है वो नेगेटिव आ रही है, ये नेगेटिव इस नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो रहा है, पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए इसका स्लोप कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है ना, तो अगर मैं बात करूँ कार्बन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैस की, इट विल कन्वर्ट इन टू CO गैस। तो जैसे आपको पता है भाई यहाँ पर एंट्रोपी की वैल्यू कैसी आएगी, मेरी पॉजिटिव आएगी, कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। कैसे? देखो ये गैस है, ये भी गैस है, बट ये सॉलिड से कन्वर्ट हुआ गैस के अंदर, तो एंट्रोपी की वैल्यू बढ़ी है, तो डेल्टा एस की वैल्यू कैसी आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। जब ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तब देखो क्या हो रहा है, ग्राफ मेरा डिक्रीजिंग आ रहा है, क्योंकि इस बार स्लोप की वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। ठीक है ना, तो इस केस के लिए जो आपने ग्राफ बनाया वो कैसा बनाया है, इस तरीके से, कब, जब मेरा डेल्टा एस कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ये कब बना, जब मेरा डेल्टा एस कैसा आ रहा था, नेगेटिव आ रहा था। बाकी सभी केसेस में क्या हो रहा है, आपके पास चीजें गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो रही थी, किससे कन्वर्ट थी, गैस से सॉलिड में, बट ये एक ही केस है जिसमें वैल्यू कम हो रही है, ये इसके अंदर क्या हो रहा था, आपके पास सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रही थी, एंट्रोपी पॉजिटिव आ रही थी, क्योंकि एंट्रोपी सॉलिड से गैस में जा रहे है तो बढ़ रही है, एंट्रोपी पॉजिटिव आ रही है तो आपका स्लोप कैसा आएगा, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर मेरा नेगेटिव साइन आता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो हम लोग ये बात कह सकते हैं कि भाई जो मेरी ये इक्वेशन है गिब्स फ्री एनर्जी की, डेल्टा जी इज़ टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये जो इक्वेशन है इसमें जो ये डेल्टा एस आएगा ये मेरा स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम लोग बात करें तो हम लोग लिख देते हैं स्लोप ऑफ लाइन जो होगा वो मुझे क्या देगा, चेंज इन एंट्रोपी, डेल्टा एस में लिख देता हूँ चेंज इन एंट्रोपी बताएगा। ठीक है, अब देखो कहीं कहीं पे इन ग्राफ के अंदर क्या हो रहा है, देखो कि जैसे ये वैल्यू बढ़ रही थी फिर एकदम से इंक्रीज कर गया, ठीक ना, सडन इंक्रीज आया। सडन इंक्रीज का मतलब है इस टेम्परेचर पे, ये जो टेम्परेचर आपका आया होगा ये मेरे मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्ट हो गया वो अब एकदम से, इसलिए सडन टेम्परेचर का क्या है, इंक्रीमेंट आया है यहाँ पर। ठीक है, इसलिए एकदम से इसके डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई है, अनस्टेबल हो गया ये। अब ये डेल्टा जी की वैल्यू कहाँ जा रही है, पॉजिटिव की तरफ जा रही है, नेगेटिव था अच्छा खासा, पॉजिटिव वैल्यू की तरफ -300 से जीरो की तरफ बढ़ रही है, पॉजिटिव की तरफ बढ़ रही है, मतलब अब ये मेरा अनस्टेबल होता जा रहा है, क्योंकि अभी ब्रेक डाउन हो चुका है ड्यू टू हाई टेम्परेचर, इसलिए इसके अंदर सडन टेम आपके पास क्या है, इंक्रीमेंट आया है। तो आप लिख सकते हैं द सडन इंक्रीज इन स्लोप डिनोट्स द मेल्टिंग ऑफ मेटल एंड द टेम्परेचर कोरस्पोंड्स टू द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल एंड द टेम्परेचर करस्पॉन्ड्स टू द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मेटल, ये जो यहाँ पर आ जाए मेरे पास, ये टेम्परेचर जो आ जाएगा इसका, इसका क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। किस केस के लिए, एमजी के लिए, कि एमजी होगा क्या है मेरे पास, मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है, एलिंगम डायग्राम का जो हमने मेन आपको बताया था कि भाई हम इससे क्या देखेंगे, रिड्यूसिंग नेचर देखेंगे, तो इसका रिड्यूसिंग नेचर देखने का तरीका मैं बताता हूँ आपको। ठीक है ना, ध्यान से सुनना भाई, एक ही बार में बात समझ में आ जाएगी। जो नीचे वाले प्रेजेंट हैं
ठीक है ना, जो नीचे प्रेजेंट है वो ऊपर वाले के ऑक्साइड्स को, नीचे वाले का मेटल ऊपर वाले की ऑक्साइड्स को इजिली रिड्यूस कर सकता है। वापिस से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, जो नीचे प्रेजेंट है नीचे वाले का मेटल, ठीक है ना, ऊपर वाले के ऑक्साइड्स को क्या कर सकता है, इजिली रिड्यूस कर सकता है। आप एक बार लिख लो इस बात को, फिर मैं आपको प्रूफ भी करके दिखाऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ। लिखिए आप, वी कैन कंपेयर द रिड्यूसिंग नेचर ऑफ टू मेटल्स फुल स्टॉप द मेटल्स हुज कर्व लाइज बिटवीन बिलो कैन रिड्यूस द मेटल ऑक्साइड हुज कर्व लाए अबव। ठीक है, नीचे वाला मेटल, द मेटल्स हुज कर्व लाए बिलो, नीचे रहने वाला मेटल ऊपर वाले के मेटल ऑक्साइड्स को क्या कर सकता है, इजिली रिड्यूस कर सकता है। जैसे मैं आपसे बोलूं, ठीक है ना, जैसे मैं आपसे बोलूं, यहां पर आप एक क्वेश्चन लिखना, ठीक है, कैन मैग्नीशियम रिड्यूस एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है ना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एलिंगम डायग्राम के हेल्प से हम लोग बताएंगे, एलिंगम डायग्राम के हेल्प से। देखो अब मैंने देखा मैग्नीशियम का, हाँ भाई मैग्नीशियम का मेरे यहाँ से कुछ स्टार्ट है, ठीक है ना, और यहाँ पर ये यह है मेरे पास के एल्यूमिनियम वाली लाइन है जो मैंने ग्रीन से बनाई है, और रेड से मैंने बनाई है किसको, मैग्नीशियम वाले को। ठीक है, तो पहले मैं लिख लेता हूँ, अब पहले मैं रिएक्शन लिख लूँ, भाई मैं चाहता हूँ रिडक्शन किस चीज का, Al2O3 का। तो मैग्नीशियम मेरा, जब मैग्नीशियम का मैं रिएक्शन करवाऊंगा Al2O3 से, तो अगर ये इसको रिड्यूस करेगा तो ये तो अपना मैग्नीशियम MgO ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेगा, और ये कन्वर्ट होना चाहिए किसके अंदर, Al के अंदर कन्वर्ट होना चाहिए। तो जब मैं इसको बैलेंस लिखूंगा तो यहाँ लिख दूंगा मैं 3 Mg, तो यहाँ पर भी 3O2 आ जाएगा ताकि ऑक्सीजन, और यहाँ लिख देता हूँ 2 ताकि मेरी रिएक्शन कैसे होगी, बैलेंस होगी। ठीक है, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, मेरे को ये पता करना है कि ये रिएक्शन जो है ये हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। ठीक है, मैं एलिंगम डायग्राम में आऊंगा भाई, एलिंगम डायग्राम में, ठीक है, 2 Mg + O2 गिव्स 2 MgO है मेरे पास, ये बात मैंने यहाँ से देख ली। ठीक है, तो मैंने यहां से लिख लिया 2 Mg + O2 गिव्स 2 MgO है मेरे पास। ठीक है, अगर मैं 2 से इसको डिवाइड करके रखूं पूरे को, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, Mg + ½O2 गिव्स MgO, ठीक है ना, ये मान लो आपके पास ये रिएक्शन थी। हाँ, अब ये आपके पास क्योंकि एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, मेरे पास जब ये एलिंगम डायग्राम है ये एक का ही दिखाता है, ये यहाँ पर 2 नहीं आएगा, यहाँ पर ½ आ जाएगा ये, ठीक है ना, तो ये MgO के अंदर फॉर्मेशन हो रहा है। इसकी वैल्यू यहाँ पर से कुछ पता चलती है मुझे, समझ लो -1200 आ रही है, ठीक है ना, तो इसके डेल्टा जी की वैल्यू पता है मुझे, भाई इसके डेल्टा जी की वैल्यू है -1200। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ किसके, एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम की ये रहा यहाँ पर 2 Al + 3/2 O2 गिव्स Al2O3, इसके डेल्टा जी की वैल्यू मैं ग्राफ से देखता हूँ, अगर यहाँ से
माइनस समझ लो आप माइनस 1050 है, माइनस 1050 इसकी वैल्यू है। अगर मेरे इस रिएक्शन का डेल्टा जी नेगेटिव आ जाता है तब तो ये रिएक्शन हो जाएगी, अगर इसका डेल्टा जी नेगेटिव नहीं आता तो ये रिएक्शन नहीं होगी। मैंने ये दोनों रिएक्शंस यहाँ से लिख ली, कहाँ से लिखी मैंने ये दोनों रिएक्शन, फ्रॉम एलिंगम डायग्राम, दोनों रिएक्शन मैंने लिख ली, ठीक है ना। अब मुझे इन दोनों रिएक्शन को मिला जुला कर इस वाली रिएक्शन को बनाना है। तो देखो यहाँ तो 3 mg है, बट यहाँ mg तो मैं इसको इंटू 3 कर दूंगा, ठीक है। मैंने इसको इंटू 3 कर दिया, ये भी हो गया 3/2 O2, ये भी हो गया मेरा 3 mg, और मेरा डेल्टा जी भी 3 से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब मेरे को देखो Al2O3 इस साइड है बट इसमें इस साइड आ रहा है, तो इस रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा, उल्टा करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैं लिख दूंगा यहाँ पर इसको उल्टा करके, Al2O3 गिव्स 2Al प्लस 3/2 O2, इसका डेल्टा जी जो हो जाएगा, ये डेल्टा जी वन मान लो, ये टू मान लो, तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस था तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 1050, क्योंकि मैंने ये वैल्यू पहले कैसे थी नेगेटिव, अब कैसी कर दी मैंने, इसको कैसे लिखा है पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि मैंने रिएक्शन को रिवर्स कर दिया, तो वैल्यू कैसी होगी पॉजिटिव। अगर मैं अब इस इक्वेशन को, फर्स्ट वन को और ये जो मेरी थर्ड इक्वेशन, इनको ऐड करूंगा तो देखो क्या होगा, 3/2 O2 से 3/2 O2 कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा ये 3 mg ये वाला प्लस Al2O3 विल गिव्स 2 Al यहाँ पर ये रहा प्लस 3 mg। ये इक्वेशन एकदम ये वाली इक्वेशन बन गई है, तो और इसका डेल्टा जी जब मैं निकालूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 3-1200 × 3 प्लस 1050। मुझे साफ दिख रही है -3600 है, और उसमें आप 1000 ऐड करोगे तो ये वैल्यू कैसे आएगी, नेगेटिव आएगी, ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो मतलब यस मैग्नीशियम क्या कर सकता है, Al2O3 को रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हो, बट मैंने आपको सीधा एक तरीका बता दिया, आपको क्या देखना है कि भाई जो नीचे प्रेजेंट है, नीचे वाले का मेटल, ठीक है, ऊपर वाले के ऑक्साइड को क्या कर सकता है, इजिली रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। ये बात आपको यहाँ से समझ में आ गई, अगर आपको एग्जाम में बोलते हैं भाई प्रूफ करके दिखाओ, तो आप ऐसे कर सकते हो, रिएक्शन लिखो, एलिंगम डायग्राम से रिएक्शन लिखो, डेल्टा जी की वैल्यू को कंपेयर करो, दोनों रिएक्शन को ऐड करके जो आपको क्वेश्चन चाहिए उसको ऑब्टेन करो, अगर उसका डेल्टा जी आपके पास नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, तब तो रिएक्शन हो जाएगी, और अगर ये रिएक्शन, अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आई तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर जो सबसे मेन पार्ट हम लोगों को पढ़ना है, उसके हेडिंग डालो आप, कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट फॉर आयरन, आयरन और कार्बन का मुझे देखना है, ठीक है। किस किस का देखना है मुझे, आयरन जो मेरी ये ब्लू लाइन है इसका देखना है, और कार्बन, देखो अगर मैं इस टेम्परेचर की बात करूं, ये टेम्परेचर कितना है मेरा 1073, इस टेम्परेचर से नीचे बात करूंगा तो भाई मेरे कार्बन की लाइन तो ऊपर है, तो कार्बन तो मेरा 1073 टेम्परेचर तक तो इसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा। मैंने अभी आपको बताया जो नीचे वाला होता है ऊपर वाले को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, बट यहाँ तो मेरा कौन है ऊपर, कार्बन मेरा ऊपर आ रहा है, तो कार्बन तो मेरा आयरन को यहाँ पर रिड्यूस नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। बट अगर मैं यहाँ से ध्यान से देखूं तो मेरा जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो मेरे आयरन से नीचे है, मतलब जो भी मेरा टेम्परेचर है 1073, जो पिंक लाइन है वो मेरी ब्लू लाइन से नीचे है, ठीक है ना। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो तो आयरन को 1073 तक रिड्यूस कर देगी, बट जैसे मैं 1073 टेम्परेचर के आगे जाऊंगा तो पिंक लाइन ऊपर हो गई, ब्लू नीचे हो गई, ठीक है ना। तो मतलब इस टेम्परेचर के आगे कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूस नहीं कर पाएगी, बट इसी दौरान जो मेरी ग्रीन लाइन थी वो कहाँ गई है, नीचे आ गई है ब्लू लाइन के, ठीक है ना। आप देखो यहाँ नीचे आ गई है ये, तो ये यहाँ पर क्या होगा, रिड्यूस करेगा। अब मैं जितना टेम्परेचर बढ़ाते जाऊंगा डेल्टा जी की वैल्यू उतनी ही नेगेटिव होती जाएगी, ये देखो उतनी ही क्या होती जाएगी, नेगेटिव होती जाएगी,
और ये उसको इजिली क्या कर पाएगा, रिड्यूस। तो मुझे ध्यान से बात के ध्यान रखनी है, ध्यान से इस बात को कि भाई 1073 टेम्परेचर तक कार्बन वाली जो ये डार्क ग्रीन वाली लाइन बनाई है मैंने, ये वाली लाइन, ये रिड्यूस नहीं कर पाएगी। बट तब तक कौन रिड्यूस कर सकता है? कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूस कर सकता है। बट जैसे मैं 1073 टेम्परेचर को क्रॉस करूंगा, तब मेरे कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूस नहीं कर पाएगी क्योंकि ये लाइन ऊपर आ गई है अब। बट इसी दौरान मेरी ग्रीन वाली लाइन जो थी ये नीचे आ गई है, मतलब 1073 टेम्परेचर के आगे मेरा कार्बन कार्बन जो है वो इजिली रिड्यूस कर पाएगा। अब लिखिए इस बात को, ये आपसे पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। बिलो 1073 केल्विन कार्बन विल नॉट बी अ सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट फॉर आयरन ऑक्साइड एट दिस टेम्परेचर रेंज, CO कार्बन मोनोऑक्साइड विल बी अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड बेसिक बेटर होगी क्योंकि वो उसकी वैल्यू नीचे आ रही है। तो आपको कोई बोले कि भाई मुझे आयरन ऑक्साइड Fe2O3 का रिडक्शन करवाना है, अब कार्बन मोनोऑक्साइड से करवाओगे, ठीक है ना, ये कन्वर्ट होगा 2 Fe के अंदर प्लस 3 times CO2 गैस के अंदर, कब, जब टेम्परेचर आपका बिलो होगा किसके, 1073 केल्विन के, ठीक है ना। या फिर आपको बोल दे भाई Fe3O4 है, तब भी आप बोलोगे भाई साहब आप कार्बन मोनोऑक्साइड यूज कर लो क्योंकि आपका टेम्परेचर 1073 से क्या है, कम है, तो कन्वर्ट हो जाएगा 3 Fe के अंदर प्लस 4 CO2 के अंदर। तो आपके इस टेम्परेचर से नीचे तो आप क्या यूज करो, आराम से कार्बन मोनोऑक्साइड यूज करोगे। अगर टेम्परेचर आपका ज्यादा हो जाता है, आप ऊपर वाली रेंज पे चले जाते हो, तब आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरी चीज को यूज करना पड़ेगा जो कि मेरा कार्बन है। तो आप लिख सकते हो टेम्परेचर जब आपका 1073 केल्विन से ज्यादा होगा तो कार्बन विल बी अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि अब ये ग्राफ इसका नीचे आ जाता है जो हमने देखा। तो अगर आपको आयरन ऑक्साइड का रिडक्शन करवाना है, आप कार्बन यूज करो और आराम से Fe का रिडक्शन करवा के आप क्या बनाओगे, CO का प्रोडक्शन होगा, ठीक है ना। एक एग्जाम में आपको पता है, ध्यान देना, एक चीज और पूछ सकता है आपसे कि भाई मैं अपने आयरन ऑक्साइड का क्या करा रहा हूँ, रिडक्शन करवा रहा हूँ एट द टेम्परेचर बिलो 1073, तो जो प्रोडक्ट बन रहा है वो मेरे पास क्या बन रहा है, CO2 गैस बन रही है। वो पूछेगा भाई बाहर कौन सी गैस निकलेगी, तो आप बोलोगे CO2 गैस, क्यों, क्योंकि देखो जो हमने डायग्राम बनाया है, जब CO का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है तो CO2 बनती है, ठीक है ना। तो 1073 तक तो क्या बनेगी, मेरी CO2 गैस बनेगी। बट इसके आगे जब जाऊंगा तो ये ग्रीन लाइन डोमिनेट कर रही है, इसके अंदर क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। तो आपको बोलेगा भाई आयरन ऑक्साइड था, एग्जाम में बोल दे आयरन ऑक्साइड था, आपने उसका रिडक्शन करवाया तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो आप बोलोगे भाई CO2 गैस बन रही है अगर मेरा उन्होंने कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिडक्शन करवाया है तो, ठीक है ना। और बोले भाई 1073 से आगे आपने रिडक्शन करवाया तो क्या यूज करोगे, कार्बन यूज करेंगे, अब कार्बन मोनोऑक्साइड यूज नहीं कर सकते और जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, मेरा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगी, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बन रहा था, CO2 गैस, और यहाँ क्या बन रही थी मेरे पास, CO गैस का फॉर्मेशन हो रहा था, ठीक है। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं, अब जितना टेम्परेचर आप ज्यादा लेके जाओगे तो आप क्या कर सकते हो, इसको यहां तक यूज कर सकते हो। अब अगर आपको बोले भाई मैग्नीशियम ऑक्साइड का रिडक्शन करना है, तो आप बोलोगे भाई इस टेम्परेचर तक तो मेरा मैग्नीशियम इसका रिडक्शन कर सकता है, बट इस टेम्परेचर के बाद में
मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO का रिडक्शन कौन कर देगा? कार्बन, क्योंकि ये अब उससे नीचे आ गया है। तो जो नीचे वाला होता है, नीचे वाला मेटल ऊपर वाले के ऑक्साइड को क्या करता है, रिड्यूस कर सकता है। इस टेम्परेचर तक तो मैग्नीशियम कार्बन मोनोऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा, बस इस टेम्परेचर के आगे जाते क्या हो जाएगा, कार्बन मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, किससे, कार्बन से रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, इसके दो तीन लिमिटेशन है कि एलिंगम डायग्राम तो बस थर्मोडायनेमिक फैक्टर का बात कर रहा है जो हम देख सकते हैं, ये काइनेटिक्स नहीं बता रहा कि भाई रेट कितना तेज होगा, स्लो होगा, कैसे होगा। तो इसका एक डिमेरिट तो ये बोल दिया गया कि भाई जो आपने ये बनाया एलिंगम डायग्राम, ये बस ये बता रहा है रिएक्शन होगा या नहीं होगा, कौन किसको रिड्यूस करेगा, बट ये नहीं बता रहा कि वो रिडक्शन किस रेट पे होगा, कितना जल्दी होगा, लेट होगा। इन सब चीजों के बारे में हम लोग क्या करेंगे अगली क्लास में बात करेंगे, ठीक है। तब तक आप इसे बनाना और एक बार इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, ताकि हम लोग आगे कल जब रिडक्शन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ेंगे, मेटल ऑक्साइड से मेटल में कन्वर्ट करेंगे, तो अगर आपको ये डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा तो आपको यहाँ कोई भी दिक्कत नहीं आएगी।